इन पत्थरों पे केकड़े भी हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो केकड़े पकड़ के खा जा रहे हैं तोड़ तोड़ के उनको। छोटी छोटी सीपी भी हैं भाई, अपने बस की तो नहीं है केकड़े पकड़ना, दूर हो जाओ क्योंकि केकड़े ने अपने को पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं एक और टूरिस्ट स्पॉट पे जिसका नाम है किर्रा बीच, और ये जो किर्रा बीच है इस बीच में आता है असली मज़ा। पानी बहुत साफ है, देखिए कितने सैलानी आए हुए हैं यहाँ पे और लोकल लोग भी हैं। गाइस मूवी वर्ल्ड की सारी राइड करने के बाद अब हम आ चुके हैं स्नैपर रॉक्स, एक बहुत ही सुंदर बीच है यहाँ कुलगट्टा के अंदर, और साथ में रेनबो बे, ये दोनों साथ साथ हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर थोड़े से नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए, और आपको नज़ारे दिखाएंगे अपने साथ साथ। 3 बज चुके हैं लेकिन धूप बहुत तेज़ है, और धूप के साथ साथ सूर्य देवता की गर्मी एकदम प्रचंड रूप में है। लेकिन क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है गोल्ड कोस्ट के अंदर, और उसके बाद हमें वापस जाना है मेलबर्न, तो हम सोचें जितना ज़्यादा घूम सके उतना घूम लें। ये देखिए ऊपर लोग बियर पी रहे हैं, बाहर है कोरोना वगैरह का, सामने सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही हैं, इसके अलावा हम लोग समुद्र के नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर एक साथ, और ये सुंदर सा रास्ता बना हुआ है बीच के लिए। पहले आपको जो है बीच दिखा देते हैं दूर से, ये है हमारा बीच स्नैपर रॉक्स का। यहाँ बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं इसलिए इसका नाम स्नैपर रॉक है, और अब हम उतरने जा रहे हैं बीच के अंदर। सुंदर सुंदर चिड़ियाँ हैं यहाँ पर, बड़ी मुझे असली लग रही है। देखिए रॉक्स हैं, इसी की वजह से बीच का नाम स्नैपर रॉक्स है। देख रहे हैं पत्थर, पत्थरों के नीचे पानी है, और ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं यहाँ पर, और वो देखिए आगे तक है, लोग यहाँ सर्फ भी कर रहे हैं। वो देखिए सारे पत्थर ही पत्थर हैं यहाँ पे, तो भाई कुछ उड़ रहा है, क्या ढूंढ रहे हैं नहीं पता। तो गाइस अब बारी है पानी में जाने की। पानी बहुत ही साफ है, बहुत ही ठंडा है, और हम पानी में छई छप्पा के छई करते हुए जा रहे हैं आगे। और यहाँ पानी ख़त्म हो गया है और हम जा रहे हैं मिट्टी पे चलते हुए। नज़ारे बहुत शानदार हैं यहाँ के स्नैपर रॉक्स के। ये जंगल की ओर है, पानी के साथ साथ मिट्टी भी है, और देखिए बच्चे कितने मज़े से खेल रहे हैं यहाँ पे। आप भी यहाँ पे आएंगे तो खेल सकते हैं, पानी बहुत साफ है गाइस यहाँ का, देखिए पानी एकदम नीला है यहाँ का, बिल्कुल नीला। अगर कह सकते हैं एकदम साफ पानी है, देखिए नमक ना हो तो आप पी लें इसको। लेकिन
साफ पानी एकदम चकाचक, और साफ पानी से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। गाइस आशा करता हूँ आपको स्नैपर रॉक का बीच पसंद आया होगा। देखिए यहाँ पे सुंदर सुंदर बिल्डिंगें भी हैं। गाइस इन पत्थरों पे केकड़े भी हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो केकड़े पकड़ के खा जा रहे हैं तोड़ तोड़ के उनको। छोटी छोटी शीपी भी हैं भाई, अपने बस की तो नहीं है केकड़े पकड़ना, दूर हो जाओ क्योंकि केकड़े ने अपने को पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गाइस ये पत्थर आप देख रहे हो ना बहुत शार्प है, और इन पर चलना आसान नहीं है, आप थोड़ा चप्पल होनी चाहिए, इनके बहुत चुभते हैं पैरों में ना, आपको दिख रहा होगा इसके कोई गिर गया ना तो मजेदार तरीके से चोट लगेगी उसको। अब मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई इतना शार्प रॉक, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर हैं भाई, यहाँ चप्पलें पहन के आनी चाहिए थी मुझे क्योंकि रॉक ना बहुत शार्प है, उनको पार करते हुए ना पैर में बहुत चुभ रहे हैं, और ये छोटे छोटे पूल बना रखे हैं लेकिन यहाँ लोग नहा रहे हैं। भाई पानी देखिए, नज़ारा देखिए, पानी पहाड़ से टकरा के उछल रहा है एकदम। पानी है बहुत साफ, एकदम नीला वाटर है। केकड़े ये बच्चे नहीं दिखे, वो क्या है कोने में केकड़ू है, वो एक केकड़े नहीं पत्थर है, पत्थर है केकड़ा है, ये क्या आइटम है भाई। गाइस मिल गया केकड़ा, देखो केकड़ा, ये छोटा सा केकड़ा है, अगर आप पैर रखोगे तो काट लेगा, इतने से दूर रहो, घूमते रहते हैं। गाइस स्नैपर पॉइंट हमने कर लिया है कंप्लीट, शाम के बज गए हैं 5, हमारे पास 1 घंटा और है क्योंकि उसके बाद हमने गाड़ी में फ्यूल भी भरवाना है और पैकिंग भी करनी है वापसी आने के लिए, कल सुबह 3 बजे की फ्लाइट है, तो देखते हैं 1 घंटे में और कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं कुलकत्ता को, और आपको बताता रहूँगा अपने ब्लॉग में। तो गाइस हम आ चुके हैं एक और टूरिस्ट स्पॉट पर जिसका नाम है किर्रा बीच, और ये जो किर्रा बीच है इस बीच में आता है असली मज़ा, पानी बहुत साफ है, देखिए कितने सैलानी आए हुए हैं यहाँ पे और लोकल लोग भी हैं, टॉवल पहन के चल रहा हूँ मैं किर्रा बीच के अंदर क्योंकि मुझे नहाना है, इतना साफ पानी देख के अगर मैं नहीं नहाया तो मुझे बहुत दुख होगा, तो मुझे नहाना है तो मैं जा रहा हूँ किर्रा बीच के अंदर, और हम अपने बैग रखते हैं किसी कोने में। अभी जैसे जैसे बीच पे आप चलते हैं तो आवाज़ होती है, जैसे बच्चे चलते हैं ना उनकी चप्पलों से आवाज़ होती है, वैसे बीच से भी आवाज़ होती है देखो, इसलिए इसका नाम है किर्रा बीच। हाँ तो पत्थर पे रख दो गाइस, इधर बीच के नज़ारे हैं और हम जा रहे हैं इसी बीच में कूदने, देख रहे हैं आप कितना प्यारा बीच है। तो गाइस गोल्ड कोस्ट की हमारी ट्रिप का आज का 4th दिन भी ख़त्म होने को आया है, और आज का दिन बहुत अच्छा गया। सबसे पहले तो हम मूवी वर्ल्ड गए थे
वहाँ पे एक एक रोलर कोस्टर हमने चार चार बार किया है, आज पूरे पैसे वसूल किए हैं, सारा अपना डर निकाला है मैंने आज। उसके बाद दो बीच गए थे, दोनों ही बीच बहुत सुंदर थे, वहाँ पे नहाया हमने। और अभी रात के बज रहे हैं 7:30 और हम जा रहे हैं खाना खाने। कल जिस इंडियन होटल के बारे में बताया था मैंने आपको, जिसमें बहुत टेस्टी खाना मिलता है, तो हम वापस से उसी की तरफ जा रहे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ। तो उसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। और आज कल तो मैं फ़ोटो ले नहीं पाया था, लेकिन आज खाने की फ़ोटो लेके भी डाल देता हूँ, एकदम मस्त खाना है। तो खाना खा के हम जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह 3 बजे उठना है, 4:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना है। तो कोशिश करेंगे 9 बजे सो जाएं, 6 घंटे की नींद हो जाए, फिर फ्लाइट पकड़ के मेलबर्न, और मेलबर्न में करूँगा ये सारे वीडियो एडिट और फिर दिखाऊँगा आपको। तो गाइस, बीच से घूम के वापस आने के बाद अब बारी थी डिनर की, और हम वापस से गए इंडियन रेस्टोरेंट में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, खाना बहुत ही शानदार, स्वादिष्ट और लाजवाब है। तो हमने किया यहाँ पे डिनर, और डिनर के बाद हम फटाफट आए वापस घर, क्योंकि हमें करनी थी पैकिंग। तो गाइस, रात के या सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग पहुँच चुके हैं गोल्ड कोस्ट एयरपोर्ट। अब यहाँ से हमारी फ़्लाइट है सुबह 6 बजे की, और सिक्योरिटी चेक इन हमारा हो गया है। अब हम बस फ्लाइट में चेक इन करने जा रहे हैं, गेट नंबर 9 पर। तो बस अब हमारा गोल्ड कोस्ट की ट्रिप होती है यहीं ख़त्म, और अब आपसे मिलेंगे अगली ट्रिप पे, और हमारा ब्लॉग भी होता है अब यहीं पर ख़त्म। तो बाय बाय।